Hello guys, I am Amit Pandya, Mathematics Faculty for JEE Mains Advanced, and you are watching Math Clip. Okay, today I am going to discuss about some examples based on tangent and chord. Okay, tangent and pair of tangent and chord and then say chord of contact. Okay, so ये जितने भी examples ये पूरे based हैं previous lectures पे, दोनों previous lectures जो हुए हैं. Although हमने वहाँ पे भी examples cover किए हैं, but वो सारे examples कहीं ना कहीं basic examples थे. समझने के भी उससे काफी अच्छे थे, but basic examples थे. अभी हम थोड़े से लेवल बढ़ाएंगे एग्जांपल्स का, लाइक जेई मेंस और एडवांस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे अभी. ठीक है, तो हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाए, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें. और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ के लिए एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स. तो मैं सबसे पहला एग्जाम्पल करता हूँ. एग्जाम्पल नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से. फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ Find the locus of midpoint of the portion of any tangent between the coordinate axis. Any tangent between the coordinate axis. हमें किसका locus निकालना है, ध्यान से देखिए. मैं इसको solve कर रहा हूँ, इसका solution लिख रहा हूँ. अच्छा, एक बात और इसमें, चूंकि हम question कर रहे हैं, ellipse का equation नहीं दिया है, तो कौन सा equation लेंगे अपन? Standard equation लेंगे ellipse का. आप जब भी exam वगैरह में रहेंगे तो वहाँ पे equation देके रहेगा tension ना लें. तो मैंने बोल दिया कि चलो इलिप्स का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन. अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन सेड कि कोई भी टेंजेंट ले लो, कोई भी टेंजेंट ले लिया, कोई भी टेंजेंट, ये हमारी एक कोई भी टेंजेंट है. मान लिया इस पॉइंट पी से ये पास हो रहा है. ठीक है, इसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा ले लेते हैं. इतना लेने पर क्या हो जाएगा, पी के कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएंगे. वो क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा. ये पता होना चाहिए अब कि कैसे अपन पॉइंट लेते हैं. क्लियर है? अब क्या बोला है कि हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो जो सेगमेंट कट हो रहा है ना, इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है. सपोज दिस विल बी ए एंड दिस पॉइंट इज बी. इसका मिड पॉइंट सपोज कहीं इधर आ रहा है एम. ओके, तो हमें मिड पॉइंट है तो इसका लोकस बताना है. लोकस बताना है तो मैंने एम को क्या एज्यूम कर दिया, एच कोमा के. तो पूरा फोकस हमारा किस पे रहेगा, एम पे रहेगा. ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपना टारगेट क्या रहेगा, मिड पॉइंट निकालने के लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं. तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे, पहले हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा. यूजुअली ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको भी पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक है, किस पॉइंट से पास हो रही है, पी से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. जनरल टेंजेंट है, होता है एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू वन होता है. होता है ना, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं. अब देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए. पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है हमेशा. तो मैं क्या करता हूं, उसमें वाई को जीरो पुट करूंगा. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखें, a अपॉन cos थीटा. तो a अपॉन cos थीटा कॉमा जीरो, समझना बहुत जरूरी है, यही है मेन इसमें. ठीक है, और साथ ही मैं पॉइंट b के भी कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं. पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप देखिए, b जो है y एक्सिस पे लाई कर रहा है और y एक्सिस पे लाई करने के लिए यहां पे क्या कंडीशन लगेगी, x कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा. तो मैं x को हमेशा जीरो पुट करूंगा. तो x को जीरो पुट किया तो y क्या आ जाएगा, देखो b इधर जाएगा, साइन थीटा नीचे आएगा. तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन साइन थीटा. देखो लोकस में होता क्या है असल में, कि हम एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं. सॉरी मैं थीटा ले रहा हूं, तो एक काम करते हैं, यहां भी थीटा कर लेते हैं और यहां भी थीटा कर लेते हैं. ठीक है ना, और ये भी पॉइंट थीटा कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में एलिमिनेट हो जाएगा. ये जो थीटा है हमने खुद से कंसिडर किया है, तो लास्ट में हमें थीटा एलिमिनेट करना होगा. लोकस का यही कंडीशन होता है कि आप पैरामीटर इंट्रोड्यूस करें और बाद में पैरामीटर को आप किसी भी कंडीशन को लगा के उसको एलिमिनेट करें, ऑटोमेटिक लोकस मिल जाता है. तो हमारे पास ये ए और बी पॉइंट आ गए, तो आप समझ सकते हैं ए पॉइंट आ चुका है, बी पॉइंट आ चुका है, हमें मिड पॉइंट का लोकस चाहिए. मिड पॉइंट का लोकस चाहिए ना, तो मैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एम के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ. मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू. ध्यान से देखें, एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन टू कॉस थीटा हो जाएगा, टू कॉस थीटा. एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन टू साइन थीटा, बी अपॉन टू साइन थीटा.
है कि नहीं? इट मींस h और k जो माना था हमने, h की वैल्यू क्या होगी, h इक्वल टू a अपॉन 2 cos थीटा, मीन्स cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इधर क्यों ले रहे हैं अभी पता चल जाएगा आपको, cos थीटा इक्वल टू a अपॉन 2h, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। एंड k इक्वल टू b अपॉन 2 sin थीटा, दिस इंप्लाइज साइन थीटा को मैं इधर ला रहा हूं, इक्वल टू बी अपॉन 2k, है ना, बी अपॉन 2k, इक्वेशन नंबर 3। देखो थीटा एलिमिनेट करना था इन दोनों इक्वेशन को, ध्यान से देखे, यदि मैं इसको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो इधर 1 हो जाएगा ना, ये तो बेसिक चीजें हैं पता है आपको, तो मैंने क्या किया स्क्वायर करके ऐड कर दिया, इक्वेशन 2 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर किया, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू दिस स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर अपॉन 4h² प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4k², समझे क्या? अब क्या होता है लोकस के लिए, h को x से और k को y से रिप्लेस करते हैं, तो मैं इसको इधर लिखूंगा, 1 को उधर लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, a अपॉन x² प्लस बी अपॉन y², ध्यान से देखो नीचे से 4 कॉमन लेके मैंने इधर भेज दिया, दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड लोकस, रिक्वायर्ड लोकस, ओके, ये मिड पॉइंट का लोकस है, यही तो हमें निकालना था। तो देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत बेसिक वे में अपन जा रहे हैं और बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं जाना पड़ रहा है ना, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, इजी कैलकुलेशन है, आई होप आप समझेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यूजुअली बच्चे क्या होते हैं लोकस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं कि सर कैसे करना है कैसे करना है, तो आप क्वेश्चन जो क्वांटिटीज है ना उनकी क्वेश्चन ही बढ़ाते जाएं, थोड़ी क्वालिटी क्वेश्चन करें, क्वांटिटी तो चाहिए ही चाहिए और क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए, तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अपन देखेंगे अभी लोकस के भी, तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर टू, तो इसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, जिसको लिखना होगा वो इसको पॉज करके लिख लेगा। क्वेश्चन नंबर टू लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर टू मैं बोल रहा हूँ बस, मैं तो यहाँ पे लिखूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर टू सेज इफ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है इस केस में, इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, एस इक्वल टू x² + 2y² = 2, x² + 2y² = 2, ये बेस्ड है इससे पहले वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखो इफ द टेंजेंट आर ड्रॉन टू द इलिप्स x² + 2y² = 2, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाई, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाई द टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज, सॉरी आर नहीं इज, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस क्या किया एलिप्स का इक्वेशन चेंज कर दिया, वो एक स्टैंडर्ड इलिप्स हुआ करता था, यहाँ पे एलिप्स का इक्वेशन चेंज कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना ले, x² / 2 + y² / 1 = 1, ये हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो गया। फिर भी मैं बोल रहा हूँ हमेशा ज्योमेट्री के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में है, आप एक इसका फोटो बनाया करें, फोटो बना लेता हूं मैं, ठीक है ना, ये रहा हमारा इलिप्स, ठीक है, आपको वैसे भी दिख रहा है a² > b² यूजुअली 80-85% क्वेश्चन में a² b² से बड़ा ही रहता है, अभी तक जहां तक जो भी आया है। हमने बोला कि एक टेंजेंट खींचते हैं, एक टेंजेंट खींचा हमने, फिर वही बात बोला है कि इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, किसके मिड पॉइंट का, इंटरसेप्ट मेड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, समझ रहे हैं आप, फिर वही काम करना है बिल्कुल। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे पॉइंट पी लूंगा, ठीक है, पॉइंट पी को यहाँ पे भी मैं क्या बोलता हूँ थीटा ले लेता हूँ, इसका इसेंट्रिक एंगल, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आप लिख पाएंगे क्या होता है a cos थीटा, बट a यहाँ पे आपको मिल जाएगा, a² 2 है तो a कितना हो जाएगा √2, तो आपको पॉइंट क्या लेना पड़ेगा √2 cos थीटा, b sin थीटा, b कितना है b² 1 है तो b भी 1 है तो 1 sin थीटा, तो यहाँ पे बस फर्क ये हो गया कि पॉइंट में थोड़ा सा चीज आ गया, a और b की जगह कुछ वैल्यूज आ गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब हमने लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो तो सेम ही रहेगा ना, बट ए और बी पे ध्यान रखें, क्या होता है x / a कितना है √2 cos θ + y / b sin θ = 1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मैं फिर से वही पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं, ध्यान से देखें, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे, y 0 हो जाएगा टोटली, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 ऊपर जाएगा, cos थीटा नीचे आएगा, √2 अपॉन cos थीटा, √2 अपॉन cos थीटा, 0, एंड
बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स को जीरो करेंगे, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, वन अपॉन साइन थीटा, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज हो। अब देखो फिर अब हमें क्या चाहिए, इसका मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, मान लिया कहीं यहाँ पे है इसका मिड पॉइंट, फिर से मिड पॉइंट है, उसके लोकस के लिए हमने क्या किया, उसके कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर लिया एच कोमा के, तो मैं एच निकाल सकता हूँ एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कंजेस्टेड होगा, आप यहाँ से उठा लें, तो मैं एच की वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ से, एच क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस बाई टू, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, तो क्या हो जाएगा रूट टू अपॉन टू कॉस थीटा, समझ रहे हैं आप, तो यहां से हमें क्या मिला, कॉस थीटा इक्वल टू, देखो कॉस थीटा इधर जाऊं तो कॉस थीटा इक्वल टू, ये तो कट जाएगा ना रूट टू से रूट टू टाइम्स में, ये तो सबको पता होगा, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट टू एच, वन अपॉन रूट टू एच, इक्वेशन नंबर टू, क्लियर। अब के निकालते हैं, ठीक है ना, के कैसे निकालेंगे, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, के इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, मतलब जीरो प्लस वन अपॉन साइन थीटा बाई टू, वन बाई टू साइन थीटा, वन अपॉन टू साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा को इधर भेज दूं, तो साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन टू के, इक्वेशन नंबर थ्री, फिर वही बात, साइन थीटा आ गया, थीटा एलिमिनेट करना था क्योंकि थीटा पैरामीटर हमने लिया था, खुद से इंट्रोड्यूस किया था, हटाना ही है उसको, तो हमने क्या किया वन स्क्वायर, सॉरी टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर कर दिया, बस हो गया, ये आंसर दे देगा आपने, टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इधर तो वन हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर लिख लो, चलो अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर ले लेंगे, प्लस वन अपॉन फोर के स्क्वायर, टू भेजना इधर नहीं भेजना आपकी मर्जी है, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कितना मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तो एच को एक्स कर लो, तो वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। अच्छा बेहतर होता है कि जो कुछ कॉमन आ सकता है आप लेके और उसको सेटल करें, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू वाई स्क्वायर इक्वल टू टू, ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल सेम थे, और मैं एक मुद्दे की बात आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आई आई टी के स्क्रीनिंग में आया हुआ था, आई आई टी 2004 स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग का मतलब समझते हैं, ठीक है ना, क्वालिफाइंग एक पेपर हुआ करता था उसका है ये, ठीक है ना। तो देखो कितना इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, है क्या बस कंसेप्ट है, और कंसेप्ट हमें पता है, और कंसेप्ट पता है तो यूं हो जाएगा, मतलब चुटकी बजाओ और आंसर पाओ, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, आप इसको लिख लें, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं, थर्ड आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैं यहां पे कर दूं क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेट पी बी अ पॉइंट, एक पॉइंट है पी, लेट पी बी अ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन द इलिप्स, लाइंग ऑन द इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144, ठीक है, लाइंग ऑन द इलिप्स दिस सच दैट द टेंजेंट एट पॉइंट पी, सच दैट द टेंजेंट एट पॉइंट पी टू द इलिप्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल, पी टू द इलिप्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 135 डिग्री टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस टाइप का क्वेश्चन एक किए हुए अपन, ठीक है ना, कि टेंजेंट इतना इंक्लाइंड है, वहां पे सब 30 डिग्री था अपना पिछले से पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विल बी, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विल बी, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2014 में आया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इतना ही नहीं है, बहुत लोग को डाउट रहता है कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, वो चाहे सर्कल में है, चाहे पैराबोला में है, चाहे अभी इलिप्स कर रहे हैं, या आगे हाइपरबोला में करेंगे, सबका फंडा एक है, तरीका एक है करने का, ध्यान से देखें क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन में इसका कर रहा हूं, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। अच्छा यहाँ पे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बता सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, क्या बोला, टेंजेंट इज इंक्लाइंड 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, मतलब टेन 135, समझ रहे हो, टेन 135 डिग्री कितना हो जाएगा, टेन 90 प्लस 45, वैसे भी टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव देगा, 90 पे कॉट हो जाएगा, कॉट 45, तो ये हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, आपको जैसे भी आता वैसे निकालें, कोई जरूरी नहीं कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वही सही है,
ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। फिर भी मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ, फिर अपन जो जो चीजें यूज करनी है यूज करेंगे अपन, है ना। तो ये हो गया, एक इलिप्स हो गया। आप हमेशा जितनी भी डायग्राम्स बनाने हैं क्वेश्चंस के लिए, हमेशा रफ स्केच करें, क्योंकि बहुत ही टफ कंपटीशन होता है एग्जाम में, समझ रहे आप। मतलब वहां पर पूरा गेम ही रहता है टाइम विथ एक्यूरेसी, कम टाइम में ज्यादा एक्यूरेट सॉल्व करने का। तो इसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो कोई नहीं देखने वाला वहां पे, बस किसने सही किया वही देखते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है इस पे एक टेंजेंट है 135 डिग्री पे, एक टेंजेंट जाएगी। हमने बोला ये रही 135 डिग्री पे एक टेंजेंट, कैसे बना रही है 135 डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये हो गया 135 डिग्री, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है पी, ठीक है, इसने बोला है कि इस पी पॉइंट पे टेंजेंट है, और हमारा जो इलिप्स है, इलिप्स है, इलिप्स का जो इक्वेशन है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, ठीक है। वैसे भी इलिप्स सही बना है, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो बोला है कि बस इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है, बोला है पी पॉइंट बता दो। हमने बोला ठीक है जी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सेंटर 0 0 है, बस अच्छा लगने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। सबसे पहले आप देखो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो लिखना ही पड़ेगा आपको, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस फॉर्म में लिखोगे, स्लोप गिवन है ना, तो स्लोप फॉर्म में लिखेंगे। पहला हिंट यही इसी ने दे दिया। तो देखो हमने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू m m x, m कितना है -1, तो -x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर, a स्क्वायर है 16, m स्क्वायर है 1, 16 प्लस b स्क्वायर 16 प्लस 9 25, तो ये इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25, दिस मींस x प्लस y इक्वल टू प्लस माइनस 5। ऑब्वियस बात है, दो टेंजेंट होंगी, दो टेंजेंट होगी जो इस टाइप से 135 एंगल बना रही होंगी। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, देखो ध्यान से, एक ऐसे भी जा रही होगी यहां से, इसका भी जब आप एंगल यहां से मेजर करोगे तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। एक तो ये हो गया, अब हमें पॉइंट पी चाहिए, पॉइंट पी चाहिए, तो हमें तो पता नहीं है पॉइंट पी के बारे में, तो हमने पॉइंट पी को क्या मान लिया, एच कोमा के मान लिया, या एक्स वन कोमा वाई वन मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। तो एक और दूसरा भी तरीका होता है टेंजेंट लिखने का, एक तो हमें इक्वेशन मिल गया, नाउ अब मैं लिखता हूं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी, समझे आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमेशा हर चैप्टर्स में आता है इस टाइप का एग्जाम्पल, ठीक है। तो पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट कैसे लिखते हैं, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स एक्स वन मीन्स एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, है ना। अब चाहे तो सेटल करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बताऊं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं, अब एक बात समझना, क्या ये वही टेंजेंट है जो पॉइंट पी से पास कर रही है, जी बिल्कुल, और ये वही टेंजेंट है जो 135 डिग्री एंगल बना रही है, जी बिल्कुल। इट मींस दोनों टेंजेंट सेम ही तो है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेम ही तो है, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं और आंसर वहां से आ जाएगा। तो हमने बोला यहां पे लिख रहे हैं कि इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, ध्यान से देखना, हमने क्या बोला, इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, तो क्या करें, कंपेयर कर दिया, कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं, कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे कंपेयर करते हैं, आप ध्यान से देखें, x का कोफिशिएंट अपॉन दिस का x का कोफिशिएंट, तो इसका क्या है 1 है, तो 1 अपॉन h अपॉन a स्क्वायर, 1 अपॉन h अपॉन, अच्छा सॉरी, a स्क्वायर की वैल्यू अभी रख दो आप, a स्क्वायर कितना है 16 है और b स्क्वायर कितना है 9 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, h अपॉन 16 है कि नहीं, इक्वल टू y का कोफिशिएंट 1, 1 अपॉन k बाय 9, ध्यान से देखते रहे, 1 अपॉन k बाय 9, ठीक है, ये एक साथ है, ये भी h बाय 16 एक साथ है, h बाय 16 एक साथ है, इक्वल टू, ये दोनों इक्वल टू के दूसरे तरफ है, मतलब RHS में है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस अपॉन दिस मींस प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5। तो देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें h चाहिए और k चाहिए, हमारा रिक्वायरमेंट h और k है, क्योंकि पॉइंट p के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसका और इसका पहले इसको सॉल्व करता हूं, तो 16 तो ऊपर चला जाएगा, एक बार लिख लो, 16 बाई एच इक्वल टू 9 अपॉन के इक्वल टू प्लस माइनस 5। पहला और लास्ट कंडीशन यदि सॉल्व करूंगा तो एच की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 16 बाई 5, और सेकेंड और
सेकंड और थर्ड को करूंगा तो के क्या आ जाएगा, 9 अपॉन, सॉरी प्लस माइनस 9/5। बट एक चीज और ध्यान दें आप, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला था कि पॉइंट पी लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो पॉजिटिव आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 16/5, और ये क्या हो जाएगा 9/5 हो गया, तो आंसर यही ऑप्शन था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करने के और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी तब तक ही है जब तक आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़े, इत्मीनान से पढ़े, उसके पढ़ने का टाइम ले, और ऑटोमेटिक क्वेश्चन को कंसेप्ट के थ्रू डील करते जाए, आंसर आ जाएगा। और ये रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूँ फिर से, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आया हूँ मैं, तो इस पर ज्यादा ध्यान दें आप, ठीक है। तो ये आप लिखें इसको और मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा अभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहीं भी आपको डिफिकल्टी होती है क्वेश्चन को रोकें, वहीं से पॉज करें और उसको समझने की कोशिश करें। ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट, एरिया जो स्क्वायर यूनिट में, ऑब्वियस बात है स्क्वायर यूनिट नहीं आता है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाई द टेंजेंट्स, फॉर्म्ड बाई द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम टू द इलिप्स, टू द इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1। फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे यदि टेंजेंट खींचते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसका एरिया बताना है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपके जेडब्ल्यू मेंस 2015 में, ठीक है ना, जेडब्ल्यू मेंस 2015 का क्वेश्चन है। देखो मैं जानबूझ के कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर के हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ क्वेश्चन में क्या है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, अच्छा डायग्राम बनाते हैं और लेटर सिस्टम का एंड पॉइंट निकालेंगे। तो ये बात पता होनी चाहिए कि लेटर सिस्टम क्या होता है, ये सब समझ में आना चाहिए आपको, तो एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, ये बन गया अपना डायग्राम, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा हमारा पहला लेटर सेलेक्टम और ये होगा दूसरा लेटर सेलेक्टम, ठीक है। लेटर सेलेक्टम का ये पॉइंट क्या होता है, ए कोमा जीरो, है ना, और ये होता है माइनस ऑफ ए कोमा जीरो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, लेटर सेलेक्टम के एंड पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट खींचू, सपोज ये रहा एंड पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींच दिया, ठीक है, थोड़ा डायग्राम ये अंदर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे इसको, इधर भी एक हम खींचेंगे टेंजेंट, इसके एंड पॉइंट पे यहां खींचा हमने, यहां खींचा, यहां भी एक खींचना पड़ेगा, ठीक है, ये एंड पॉइंट है और एक इस एंड पॉइंट पे खींचेंगे, और चूंकि सिमेट्रिक फिगर होने की वजह से क्या होगा कि ये कट एक्सिस पे ही करेगा, तो ये बात समझे। अब ये हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया, ए बी सी, ए बी सी एंड डी, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। बोला इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए इस केस में, बोला यार कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो है इसका एंड पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है, इसका एंड पॉइंट, तो इसमें एंड पॉइंट क्या हो जाता है लेटर सेक्टम का, एंड पॉइंट क्या हो जाता है, ए कोमा बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है ना। ये प्लस माइनस करके सबको निकालने की जरूरत नहीं है, देखो क्यों, इसलिए कि चूंकि सिमेट्रिक फिगर है तो मुझे दिख रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल है ना एबीसीडी, चार बराबर पार्ट में डिवाइडेड है। यदि मैं इसको सेंटर को ओ बोल दूं तो यदि मैं इतना एरिया आइडेंटिफाई कर लूं, ध्यान से देखें कितना एरिया ए ओ बी, तो उसी का चार गुना हो जाएगा ना, 4 टाइम्स टोटल एरिया। तो हम क्या करते हैं ना, हमारा टारगेट रहेगा कि ए ओ बी का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करने, बस हो जाएगा आंसर, तो यही टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले मुझे एक एंड पॉइंट निकालना पड़ेगा ताकि मैं टेंजेंट निकाल पाऊं, तो ए ई निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ई फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ई क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस छोटा स्क्वायर अपन बड़ा स्क्वायर, 5 बाई 9, तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5, 4 बाई 9 मीन्स 2/3 आ गया। तो यहां से हमने ए ई निकाल लिया, ए कितना है, ध्यान से कि ए 3 है, ए स्क्वायर 9 है, गलती नहीं होनी चाहिए, तो 3 × 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ए ई। एंड बी स्क्वायर बाई ए भी निकाल देते हैं, बी स्क्वायर है 5 और ए कितना है 3, 5/3 हो जाएगा, समझ रहे बात को। इट मींस जो हमारा पॉइंट पी है, या हाँ इसको पी ले लेते हैं, पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास, कितना हो गया 2, 5/3, राइट है, कितना
क्लियर है ना। अब इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, तो मैंने क्या बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है पी। ओके इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस खूब है अपने पास। क्या बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी क्या हो जाएगा, पॉइंट फॉर्म में लेना पड़ेगा टेंजेंट एक्स एक्स वन, एक्स वन की जगह क्या रखेंगे टू, टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर। देखो यहां पे टू एक्स बाई नाइन प्लस वाई वाई वन, फाइव बाई थ्री वाई अपॉन फाइव, फाइव बाई थ्री वाई अपॉन फाइव, तो फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा अभी इक्वल टू वन, फाइव से फाइव कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स बाई नाइन प्लस वाई बाई थ्री इक्वल टू वन। अब देखो ये तो हमारी लाइन हो गई, कौन सी लाइन हो गई ए बी। मुझे इस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया निकालना है, तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसमें क्या करेंगे बेस पता चल जाए मुझे, ओ ए डिस्टेंस पता चल जाए और ओ बी डिस्टेंस पता चल जाए तो हो जाएगा काम, तो चल जाएगा ना यार। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं, अभी तक ये देखो तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, है कि नहीं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करेंगे, वाई को जीरो पुट कर दो, तो हमने ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश की, तो वाई को जीरो पुट करेंगे तो एक्स क्या आएगा नाइन बाई टू, नाइन बाई टू कॉमा जीरो। एंड बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखें एक्स को जीरो पुट करना है क्योंकि ये वाई एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा एक्स को जीरो पुट किया तो वाई कितना हो जाएगा थ्री, जीरो कॉमा थ्री। इट मीन्स ओ ए क्या हो जाएगा, इट मीन्स ओ ए विल बी नाइन बाई टू एंड ओ बी विल बी थ्री। अब मैं क्या करता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए वन बोल देता हूं उसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी जिसको मैं ए वन बोल रहा हूं क्या हो जाएगा हाफ बेस, बेस कितना है नाइन बाई टू इंटू थ्री, तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन बाई फोर स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। लेकिन आप ध्यान दें ये तो एक पोर्शन का एरिया है, हमें इसे कितने पोर्शन है चार, तो हमने क्या बोला रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा फोर इंटू ट्वेंटी सेवन बाई फोर, आंसर कितना हो गया ट्वेंटी सेवन यूनिट स्क्वायर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, और ये ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो देखो तो मेंस 2015 का तो क्वेश्चन के लेवल तो यही है, और मैं पहले ही बोला था कि चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, 2014 में भी आया है 2015 में भी आया है, ठीक है। तो इसलिए देखो और क्वेश्चन एक जैसे रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल से इस चैप्टर से, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप इसको लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन, आप लिखे क्वेश्चन नंबर फाइव, टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द इलिप्स, टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स की बात चल रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द इलिप्स दिस इज ड्रॉन, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना, इज ड्रॉन विच कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट ए एंड बी, विच कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट ए एंड बी, देन द मिनिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज, देन द मिनिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज वेयर ओ इज ओरिजिन। अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और ये मैं बता दूं आपको क्यों मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ये भी आपके आईआईटी 2005 में के स्क्रीनिंग में आया हुआ है। जैसे अभी के टाइम में मेंस है वो एडवांस के लिए स्क्रीनिंग है, क्योंकि मेंस आप क्वालिफाई करेंगे तभी एडवांस दे सकते हैं, वैसे ही पहले आईआईटी का स्क्रीनिंग हुआ करता था, है ना। तो क्या बोला है इस पे कोई भी टेंजेंट खींचा हमने, हाँ जी खींच लिया कोई भी टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट खींचा लो चलेगा, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट ले लो इस पे, तो पी क्या हो जाएगा, इसको थीटा ले लेते हैं यहाँ पे, तो पी के कोऑर्डिनेट्स कई बार हो चुका है ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा, है ना। अब बोला ये कहाँ कट कर रहा है कोऑर्डिनेट्स एक्सिस को, ए एंड बी पे, और सेंटर ओ है, तो मिनिमम एरिया ए ओ बी कितना हो सकता है ये मिनिमम बताना है आपको, ठीक है ना। ये नहीं केवल निकाल के रख देना है, आपको मिनिमम बताना, मतलब ठीक है पहले एरिया तो निकालो फिर मिनिमम मैक्सिमम की बात करेंगे। एरिया निकल जाएगा यार यूजुअली, मैंने क्या बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, समझना आप क्या हो जाएगा एक्स बाई ए कॉस थीटा, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू जीरो, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मैं निकाल रहा हूं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स उसके लिए क्या करूं वाई को जीरो कर दूं, जीरो किया तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा ए बाई कॉस थीटा,
ए बाई कॉस थीटा कोमा जीरो एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करेंगे, एक्स को जीरो किया तो वाई क्या हो जाएगा, बी बाई साइन थीटा। समझना ध्यान से, इट मीन्स ओ ए जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया ए कॉस ए बाई कॉस थीटा, और ओ बी डिस्टेंस कितना हो गया बी बाई साइन थीटा। तो मैं एरिया निकाल रहा हूं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ए बाई कॉस थीटा इंटू हाइट बी बाई साइन थीटा। समझ रहे हो, तो ऊपर क्या हो जाएगा ए बी और नीचे क्या हो जाएगा साइन टू थीटा। ठीक है, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा होता है। ये तो हमारा एरिया आया ना, इसको मैं ए बोल देता हूँ। ए कितना आ गया हमारा, सॉरी ए आर लिखो, चूंकि ए ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, तो ए आर कितना हो गया ए बी अपॉन साइन टू थीटा। अब देखो ध्यान से, क्या बोला मिनिमम होना चाहिए, एरिया मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ए तो फिक्स है, ए तो फिक्स होता है, कॉन्स्टेंट होता है, बी भी फिक्स होता है। साइन का तब तक मतलब है जब थीटा है, इसका मतलब थीटा ही तो वेरिएबल है, थीटा ही तो वेरी करेगा। तो किसी भी ऐसी क्वांटिटी जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी है और इसको फिक्स कर दिया जाए, तो इसको बढ़ाने और घटाने पे इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू चेंज होगी ना। तो यदि मैं क्यू को बढ़ाऊंगा तो वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो हमें यहां पे क्या चाहिए, मिनिमम, मिनिमम चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। बात को समझना, ऊपर यदि फिक्स है हमारा, ऊपर न्यूमरेटर फिक्स है, डिनोमिनेटर यदि हम मैक्सिमम कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। तो मैंने लिखा एरिया मिनिमम की बात करें तो क्या हो जाएगा ए बी, बिकॉज साइन टू थीटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, साइन हमेशा मैक्सिमम वन वैल्यू देता है। ठीक है, ये हमारा एरिया मिनिमम का आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, और ये भी अपन बता सकते हैं कि किस कितने थीटा पे होगा साइन टू थीटा वन, कब होगा, जब टू थीटा पाई बाई टू हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा पाई बाई फोर। तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, मतलब आप इसेंट्रिक एंगल सर्कल बना के पाई बाई फोर लेंगे ना जब यहां से, और टेंजेंट खींचेंगे तो सबसे मिनिमम एरिया देगा। ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन बहुत ही इजी था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन इसी के साथ लेते हैं, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, और यूजुअली इस टाइप के भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रहा है कि फाइंड कॉमन टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एंड एंड एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू वन। ठीक है, ये बताना है, इनके कॉमन टेंजेंट्स के इक्वेशंस बताने हैं। ठीक है, देखना यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसका पहले डायग्राम बना रहा हूं, फोटो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं इलिप्स बना लूँ, कोई सा भी बना लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलिप्स ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ऐसे ही बना होगा, बिल्कुल ऐसे ही बना है। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, 5.0 होगा, ये -5.0, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है ना, ये पॉइंट 0.2 एंड दिस विल बी 0.-2। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेंटर 0.0, सर्कल का भी सेंटर 0.0 है, और रेडियस क्या है, 3 है। 3 है मीन्स सर्कल इधर से पास करेगा 3 और इधर थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब सर्कल ऐसे बना होगा। ठीक है, इलिप्स जैसा दिख रहा है वैसे, लेकिन आप इसको कंसिडर करें सर्कल। ठीक है ना, यहाँ है 3, यहाँ भी है 3, ये भी है 3 और ये भी है 3। ठीक है ना, तो ये है। तो बोला नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर सॉरी नंबर नहीं पूछा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट तो यूं बता देंगे, देखो चार बनेंगे यहाँ से, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। हमें बोला इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सर्कल में हमेशा आता रहता है, सर्कल में इसलिए आता रहता है कि सर्कल को क्या करेगा, ये कभी पैराबोला के साथ करेगा, कभी इलिप्स के साथ करेगा, कभी हाइपरबोला के साथ करेगा। तो इसका बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड मेथड क्या है कि सबसे पहले सर्कल को आप बिल्कुल अवॉइड करें, सर्कल को लास्ट में यूज करेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, इलिप्स पे कोई भी एक टेंजेंट खींचें। तो मैंने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कोई भी लिखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन इलिप्स। ठीक है, मैं स्लोप फॉर्म में लिख देता हूं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता है अपन को, तो मैं एम एक्स को इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एम एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, कितना है जी, ए स्क्वायर विल बी 25,
तो 25 m² + b² कितना है, 4 है ना। थोड़ा सा इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूँ, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेता हूँ, कुछ नहीं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, अब चाहे तो ऐसे भी रहने देते हैं, ठीक है, चले रहने दो, ऐसे ही रहने दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब मैं इधर मिटा रहा हूं, अब मैं इधर मिटा रहा हूं, देखो कीड़ा आ रहा है वहां से, ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिया है, हाँ जी, तो देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने किस पे लिख लिया, इलिप्स पे लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये एक लाइन है ना, देखो एक लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। अब मैं क्या करूंगा कि सर्कल के सेंटर से यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। सर्कल के लिए कंडीशन यही होता था टेंजेंट का, तो हमने अब इसके लिए क्या कंडीशन लगाना है कि सर्कल के सेंटर से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा, है कि नहीं। तो अपन इसको करते हैं, ठीक है, चाहे तो इसको और एक स्टेप ले लो, वाई माइनस एम एक्स, और इसको इधर भेज दिया तो प्लस इधर आएगा तो माइनस, और माइनस आएगा तो प्लस, तो फिर भी प्लस माइनस रहेगा, ये हो जाएगा 25 m² + 4, है कि नहीं। ये इक्वेशन नंबर 1 था, सेम ही लिखा हुआ है। अब मैंने क्या लिखा कि फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल, सर्कल पे कंडीशन ऑफ टेंजेंट भी लगा रहे हैं तो क्या होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर कितना है 0, 0, इससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये लाइन टेंजेंट इलिप्स के लिए भी है और सर्कल के लिए भी टेंजेंट हो रही है या करनी है, सेम बात है। तो क्या करेंगे, इस लाइन पे 0, 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। आपको पता होना चाहिए सर्कल पे कोई भी टेंजेंट खींचेंगे आप, कोई भी टेंजेंट खींचेंगे तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। तो मैं वो कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ बस, और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन पे डालते हैं, तो कैसे परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं, मॉड लेते हैं सबसे पहले, 0, 0 पुट करो इसमें, तो 0, 0, ठीक है ना, वैसे x में पहले 0 और y में 0, तो ये 0 हो गया, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा प्लस माइनस √25 m² + 4, ठीक है, अपॉन √a² + b², ए क्या होता है, एक्स का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट क्या है, माइनस एम, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा एम स्क्वायर, और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, इक्वल टू रेडियस कितना है हमारा 3, ये हो गया, यहां से m की वैल्यू आएगी, यहां से m की वैल्यू आएगी और इसमें पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा, समझ गए होंगे आप। तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, मॉड हटाने के लिए स्क्वायर कर सकते हैं या आप एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर करने से फायदा ये होगा कि मॉड भी हटेगा, प्लस माइनस भी गायब होगा और रूट भी गायब होगा, तो मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, समझे क्या, तो बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 25 m² + 4 इक्वल टू, मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये क्या हो गया 9, और ये उधर चल जाके क्या हो जाएगा m² + 1, मीन्स 9 m² + 9, एम स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 25 - 9, 25 - 9 16 m² इक्वल टू 5, तो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/16, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए +-5/4, डायरेक्टली केवल 5/4 ना लिखे क्योंकि स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है, ठीक है। तब मैं इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, m की वैल्यू रखो, आंसर पाओ, तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखिए चार आएंगी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले क्या लें, m की वैल्यू +5/4 लेते हैं, रखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखो y -5/4x इक्वल टू +-5/4, रखो यहाँ पे 5/4 रखो, 5/4 रखोगे तो मैं लिख देता हूँ एक बार, √25 × 5/4 कितना आ जाएगा 25/16, और +4, यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा y -5/4x इक्वल टू +-√, ध्यान से देखें ये कितना हो जाएगा 625, 25 × 25 625, और ये 64, तो मैंने लिखा 625 + 64/16, तो ये क्या हो जाएगा +-√9, 689 हो रहा है ना, 689/16, तो देखो क्या होगा y -5/4, या इसको मैं इधर भी सॉल्व कर लेता हूँ, 4 को इधर भेज देता हूँ, 4y - 5x इक्वल टू +-√689/4, 4 से 4 कैंसिल,
तो यहां से हमें क्या इक्वेशन मिल रहा है, ये मिल रहा है एक तो 4y-5x = +√689। समझे क्या? देखो एक बार प्लस लोगे तो एक टेंजेंट, एक बार माइनस लोगे तो दूसरी टेंजेंट। अभी बाकी है हमारे पास, हमने ये m कब लिया है, ये इफ m इक्वल टू ये 5/4 का केस चल रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, m इक्वल टू -5/4 लेता हूँ और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, इतना कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे। अब नाउ m इक्वल टू -5/4, अब देखो क्या होगा, माइनस आएगा, माइनस यहां आएगा तो यहां प्लस बना देगा। बाकी कहां का m यूज हुआ, एक यहां यूज हो रहा है और एक यहां यूज हो रहा है, तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पड़ेगा, बस यहां पड़ेगा। तो यहां पड़ेगा मीन ये बस यहां प्लस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4y + 5x = +√689। ठीक है, तो आप इसको, ये हमारे पास चार टेंजेंट्स रही, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, तो ये हमारे हो गए आंसर। ठीक है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा इसलिए चला जाता है कि दो बार हमें कंडीशन लगाना पड़ता है टेंजेंट का, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। आप यदि इसको तरीके से करें तो 2 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट मोर देन सफिशियंट। समझेगा? तो ये रहा अपना ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था और काफी बेहतर क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको समझे, अच्छे से समझे, है ना, समझ रहे होंगे आप, तो आप इसको लिख लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। तो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप समझ के कर सकते हैं इसको, छोटा सा क्वेश्चन है, लिखो द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्टिंग ऑन करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, इंटरसेक्टिंग ऑन करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, ओके, इंटरसेक्टिंग ऑन करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। तो ध्यान से देखें क्या बोल रहा है, प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है आपको कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड। समझना, यहां पर भी इलिप्स नहीं दिया हुआ, तो इलिप्स कौन सा लेंगे, वही स्टैंडर्ड इलिप्स, x² + a² + y² / b² = 1, यही वाला लेंगे, है ना। अब क्या बोला है उसको, उसका डायग्राम बनाते हैं। बोला टेंजेंट ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड क्या होगा, फोकस से पास हो रही होगी, ये रहा फोकस अपना AE, 0। बोला इसके एक्सट्रीमिटीज पे यदि फोकल कॉर्ड, सॉरी फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज का टेंजेंट खींचोगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे कट करेगा। हम मतलब देख लेते हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे टेंजेंट खींच रहा हूँ और एक यहाँ पे टेंजेंट खींच रहा हूँ, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा कंसिडर कर लेंगे ऐसे। और इसका ये कहना है कि आप ये प्रूफ करें कि ये पॉइंट कहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स पे, ये तो बोल रहा कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये प्रूफ करना है कि हमें जो ये पॉइंट पी आएगा ना, ये तो हो गया x = a/e, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दोनों टेंजेंट्स का, पी मान लिया h, k, तो आप प्रूफ करें कि ये डायरेक्ट्रिक्स पे है। देखो इसके करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप क्या करें कि इसका पॉइंट पी अल्फा ले लें और यहां पे क्यू बीटा ले लें, है कि नहीं, स्टेप से अपने किया कई बार, और अल्फा मतलब ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा पे आप एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, इस पे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, अल्फा बीटा में ये सॉल्व करेंगे तो रिलेशन मिलेगा, फिर आप फोकल कॉर्ड की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, याद होगा कुछ, है कि नहीं, टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू इक्वल टू ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन, और वैसे भी होता था ई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, मिला जुला के काफी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आप क्रिएट कर देंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये। तो देखो इससे टेक्निकली थोड़ा चलते हैं, क्या बोला, उल्टा चलते हैं, उल्टा क्या चलते हैं, मैंने मान लिया हमें इसको एच कोमा के यूज कर रहे हैं, हमने बोला एच कोमा के रिस्पेक्ट में जो ये पी क्यू है ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ पी क्यू। देखो यही टेक्निकली यही सोचना होता है, एक अच्छे बच्चे में और एक थोड़ा सा जो डल बच्चा होता है उसमें इतना ही फर्क होता है, सोचने की क्षमता, बस आप कितना क्विक सोच रहे हैं और कितना वो इफेक्टिव है बहुत मैटर करता है। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या है जी, COC कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पी, t = 0, इट मीन्स x x1 मीन्स hx / a² + ky / b² = 1, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो h के यूज कर लिया ना, ऑटोमेटिक आना होगा जो आ जाएगा, कंडीशंस लगाते रहो,
PQ के लिए क्या बोला था, कॉर्ड ये कौन सी है, फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड हमने यूज नहीं किया ना, इट मीन्स ये जो लाइन ये कहां से पास करेगी, हमने बोला कि ये इक्वेशन वन लिख देता हूं यहां पे, इट पासेस थ्रू वेयर ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो से पास करेगी तो इसको सेटिस्फाई करेगा ए कॉमा जीरो, तो रख देते हैं इसमें, तो एच इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस के इंटू जीरो अपॉन बी स्क्वायर, तो जीरो ही हो जाएगा इक्वल टू वन, टोटल जीरो हो गया, ए से ए कैंसिल, तो एच इंटू ई बाई ए इक्वल टू वन आ गया, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई ई, अब देखो तो एच ए बाई ई आ गया, अरे ये लाइन इस पे हमेशा एक्स क्या होगा, ए बाई ई होगा, एच ए बाई ई आ गया, हो गया प्रूफ, हो गया कि नहीं, तो ये पॉइंट, अब के कुछ भी आ जाए, सपोज के फाइव आ गया तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, के माइनस थ्री आ जाएगा तो इधर आ जाएगा, और नीचे जाना और नीचे जाएगा, रहेगा तो डायरेक्ट्रिक्स पे ही, तो यही हमारा प्रूफ हो गया, तो हेंस प्रूव्ड, समझ रहे हो, देखो बस यही थोड़ा सा समझना था इसमें, कि क्वेश्चन को रिवर्स गियर लगा लो ना, रिवर्स गियर में फट से हो जाएगा, ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे और लिख भी रहे होंगे साथ में, और कुछ खुद से भी मेहनत कर रहे होंगे किसी भी बुक से आप, वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपको जो बुक है वो बेहतर है, यदि आपको कुछ अच्छी बुक लेनी है तो एसएलडोनी आप ट्राई कर सकते हैं, बट मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अभी जो बुक है उसी बुक को आप क्विकली जितना इधर पढ़ाया जा रहा है आप खुद से ही कवर करें, है ना, क्योंकि मैथ जो प्रैक्टिस की चीज है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है ये, फिर परमानेंट के लिए डाउट क्रिएट हो जाएगा, और दिमाग में एक चीज आप ये डाल लें अपने, अच्छी चीजें इंसान भूल जाता है, बट जो बुरी चीजें हैं ना, बुरी चीजें इन द सेंस ये नहीं कि गलत चीजें, इट मीन्स डाउट्स कंफ्यूजन, वो बहुत दिन तक रहता है, तो मैं यही बोलूंगा कि आप डाउट्स को ना आने दें अपने दिमाग में, और बस और क्या, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।